हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी बी। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 5 इजी एंड अमेजिंग वैलेंटाइन गिफ्ट आइडियाज़ जो आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं एंड उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ रेडीमेड आइटम्स का भी यूज़ किया है। मैंने इस वैलेंटाइन के लिए परचेज़ नहीं किया था, मेरे पास पहले से था तो मैंने उसे ही यूज़ किया है। बट आप चाहें तो इनकी जगह पे सिमिलर आइटम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि उनकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्लास बॉटल। आप चाहें तो प्लास्टिक बॉटल या फिर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल्स आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ जेसो। आप चाहें तो होममेड जेसो का भी यूज़ कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। जेसो ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है एंड इस तरीके से मैंने इसे स्पंज की हेल्प से डैब कर लिया है। मैंने यहाँ पे डैबर का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी एक स्पंज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास कितनी बार वेस्ट मटेरियल्स में मिल जाते हैं, लाइक सोफ़ा वगैरह में निकल जाते हैं, या फिर जो हमारे पास स्क्रबर होता है बर्तन धोने वाला, उसमें भी आपको स्पंज होता है तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने वाइट, पिंक एंड रेड से इस तरीके से यहाँ पे इसे पेंट कर लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ यहाँ पे डेकोपाज नैपकिन पेपर। ये मैंने इत्सी बित्सी से लिया था लास्ट ईयर एंड अब मैं फाइनली इसे यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर वैलेंटाइन डे के टाइम पे मैं थी नहीं देहरादून में, मैं उस टाइम पे घर गई हुई थी तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं वीडियोज़ को शेयर कर सकूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नैपकिन को पानी और ब्रश की हेल्प से मैंने इस तरीके से फाड़ लिया है एंड उसकी जो लेयर्स थी उन्हें भी सेपरेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ डेकोपाज ग्लू का। अगर आपको ये परचेज़ नहीं करना, आप बिगनर हैं या आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने का या पैसे वेस्ट करने का, तो आप इसे भी फेविकॉल की हेल्प से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो जो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसे आप ज़रूर चेक करिएगा, उसमें बहुत सारे होममेड आर्ट सप्लाईज़ मैंने शेयर किए हैं, तो उसे आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे नैपकिन्स को स्टिक कर लिया है एंड उसके बाद एक सेलोफिन पेपर की हेल्प से कुछ इस तरीके से आपको इसे प्रेस करना है। प्रेस हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। ड्राई करने के बाद आपको मॉड पॉज का एक लेयर और यहाँ पे करना है एंड उसके बाद जो भी आर्ट वगैरह आपको बनाना है इसके ऊपर एडिशनल डिज़ाइन आप कर सकते हैं या फिर आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो नैपकिन है, इस नैपकिन की जगह पे आप सिमिलर प्रिंटेड डिज़ाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे कोई सिमिलर डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब सेकेंड DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक MDF कोस्टर यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे कोई भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे जो कैनवस आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा 3D वर्क करूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का मोल्डेड एयर ड्राई क्ले यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे POP या फिर वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे दो बॉल्स एंड एक हार्ट मैंने बना के उसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है एंड अब उसके नीचे का डिज़ाइन मैं यहाँ पर बनाऊँगी। बेस में मैंने सबसे पहले यहाँ पे जेसो अप्लाई किया हुआ था, बहुत पहले से मैंने करके रखा था एंड इसके ऊपर एक लेयर मैंने चॉक पेंट का भी अप्लाई किया था। आप एक्रिलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम फटाफट से पेंट कर लेंगे। पेंट करने के लिए मैंने सारे एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए हैं, थोड़ा ब्लू में ब्लैक मिक्स करके मैंने इस तरीके से इसे पेंट कर लिया है एंड इसके बाद तो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप चाहें अपने अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हैं। डॉटर टूल की जगह पे आप चाहें तो जो ब्रश के पीछे का पोर्शन होता है, वो जो टिप होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हमारे हेयर क्लिप्स होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड DIY भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसे एज अ कार हैंगर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब थर्ड DIY की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक
पेपर मैशे बॉक्स है, तो ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया था। आप इसकी जगह पे चाहें तो कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कुकी बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुकी बॉक्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जिसो आपको अप्लाई करना मस्ट हो जाता है, बट क्योंकि ये पेपर का है इसलिए मैंने बेस कोट में यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े डिज़ाइंस बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो इसका कैप है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये नैपकिन यूज़ किया है। आप चाहें तो प्रिंटेड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। कितनी बार हमें गिफ्ट आइटम्स मिलती हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट रैपर्स में रैप होके मिलती हैं, तो उन पेपर्स का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नैपकिन पेपर्स होती हैं वो कितनी बार 2 या 3 प्लाई होती हैं, तो आपको उन्हें सेपरेट करना है। उसके बाद डेकोपाज ग्लू की हेल्प से मैं इसे यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। धीरे धीरे हमें केयरफुली इसे स्टिक करना है, एंड जैसा मैंने बॉटल में दिखाया था कि पूरा स्टिक करने के बाद आपको किसी भी प्लास्टिक या सेलोफिन की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसे प्रेस कर लेना है, एंड उसके बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब आप इसके ऊपर एक लेयर मॉड पॉज का अप्लाई करेंगे। सारा आर्ट वर्क करने के बाद हम लास्ट में इस पर अप्लाई करेंगे वार्निश, जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका जो कलर है वो स्मज हो सकता है, स्पेशली रेड, ब्लैक या जितने भी डार्क कलर्स होते हैं ये सारे स्मज होने के चांसेस होते हैं। तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसे अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए, उसके बाद आप उसे वार्निश कर सकते हैं। तो ऊपर तो मैंने यहाँ पर डेकोपाज किया था, बट नीचे जो पोर्शन है उसे मैंने सिंपली इस तरीके से पेंट कर लिया है, एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने मॉड पॉज अप्लाई कर दिया है, एंड इसके ड्राई होने के बाद मैंने एक कोट वार्निश का भी अप्लाई किया है। अब थर्ड DIY के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये MDF के हार्ट्स, तो आप इसकी जगह पे कार्डबोर्ड या फिर फोम बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले से ही जैसो अप्लाई करके रखा था, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वाइट एक्रिलिक कलर एज अ बेस। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन का बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाइट एंड रेड का थीम रखा है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये मोल्डेड क्ले, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इसकी जगह पे POP मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर वॉल पिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक की बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेप दे करके एंड यहाँ पे एक की बना लिया है। तो क्ले वर्क हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई हो जाने देंगे, ये 1.5 घंटे में कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है ये एक टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है, एंड उसके बाद मैंने येलो कार्बन की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से ट्रेस कर लिया है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको डार्क कार्बन कलर्स यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि वो पूरे आर्ट पर आपके जहाँ तहाँ फिंगरप्रिंट्स या आपके हैंड इम्प्रेशंस आ जाएंगे। तो ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर शार्पी यूज़ की है, आप शार्पी बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी परमानेंट मार्कर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने जो बोल्ड फॉन्ट्स थे उनको मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर से कुछ इस तरीके से फिल कर लिया है। तो 10 रुपये की आपको परमानेंट मार्कर्स लोकल शॉप्स में मिल जाती हैं, बहुत ही ईजिली आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट उनका एक ही कंडीशन है कि आपका जो आर्टवर्क है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 3-4 दिन इसे ड्राई होने देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मार्कर इस सर्फेस पर चलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस था तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एनवेलप बना लिया है, एंड बस हमारा एक क्यूट सा डेकोरेटिव पीस रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा फ़ोटो भी लगा सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन मेटालिक कलर यहाँ पे यूज़ किया है, थोड़ा सा अपने की को हाईलाइट किया है बस। तो अब चलते हैं अपने लास्ट DIY पे। तो यहाँ पे मैंने ये एक गैल्वनाइज्ड बकेट लिया है, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही लिया था इट्सी बिट्सी से। अगर ये अवेलेबल होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बट अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप जो आजकल फूड कंटेनर्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर सिंपली क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से इस हार्ट शेप को यहाँ पर कट करना है, एंड कोई भी गर्म निडल ले करके आपको उसमें यहाँ पर होल्स
पेयर्स कर लेने हैं। उसके बाद इसे पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये गोल्डन स्प्रे पेंट। हार्डली 10 to 15 मिनट्स में ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बकेट पेंट होके रेडी हो चुका है। अब जो आगे का पोर्शन है इसे हम थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करी हूँ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। आप चाहें तो ऊन का या फिर जो रेगुलर अपने सिलाई वाली थ्रेड आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस हार्ट के ऊपर क्रिस क्रॉस करके भी डिज़ाइन पैटर्न्स बना सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे एक रनिंग स्टिच की फॉर्मेट फॉलो की है एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे ग्लू की हेल्प से पीछे की तरफ सिक्योर कर लिया है। तो बस रेडी हो गया हमारा ये क्यूट सा मल्टीपर्पज़ DIY। इसमें आप कैंडल रख सकते हैं, आप अपने पेन स्केच पेंस वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर एक क्यूट सा प्लांट भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।